हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है भाई आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पे। हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास नाइन्थ का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, जिसकी हमने ए एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। आज बी एक्सरसाइज शुरू करेंगे भाई। इससे प्रीवियस भी हमने कई चैप्टर कर रखे हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। अगर कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और प्लेलिस्ट में भी ना मिले तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना भाई, मैं उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे भाई 20B एक्सरसाइज। लेकिन आपको पता है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस्ड होगी और किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। ठीक है, प्रीवियस जो हमने एक्सरसाइज देखी थी उसके अंदर हमने हाइपोटन्यूज थ्योरम यूज की थी वहां पर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वाली, जिसमें हाइपोटन्यूज बेस और परपेंडिकुलर का यूज हुआ था। पाइथागोरस थ्योरम के अलावा हमने वहां पे पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगाया था, जिसमें साइन बाय कोस वाले फॉर्मूले लगाए थे। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके अंदर आपको रेशियोज फाइंड आउट करनी है जो आपको एंगल वाइज मिलेंगे। ठीक है, और एक टेबल भी होगी, उस टेबल को अच्छे से आपने याद कर लेना है, और जिसको याद नहीं होती है वो, तो उसके लिए मैं टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर मेन टेबल ही है। ठीक है, तो ध्यान से सुन लो भाई, टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन लिख लेते हैं, साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट और ये कोट। ठीक है भाई, अब यहां पे डिग्री लिखते हैं। डिग्री कौन कौन सी होगी आपके पास, जीरो, जीरो के बाद आता है आपका थर्टी, थर्टी के बाद आएगा आपका फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव के बाद सिक्सटी, और सिक्सटी के बाद नाइन्टी। ठीक है, इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं होगी आपके पास। अब देखो ये हमारे पास टेबल है, इसमें वैल्यूज कैसे फिल करेंगे वो ध्यान से सुनना। जीरो डिग्री है तो जीरो लिखो, जीरो के बाद वन आता है, वन के बाद यहां पर टू लिख लो, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर। ठीक है भाई, अब ये नंबर लिखने हैं आपने, जीरो वन टू थ्री फोर तक। ठीक है, फिर हर एक को फोर से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना, फोर से। इसको फोर से डिवाइड करो, इसको फोर से, इसको फोर से, इसको फोर से, और इसको भी फोर से। ठीक है, अब हर एक के ऊपर रूट लगा दो। क्या लगा दो, रूट। इस पर भी रूट, इस पर भी रूट, इस पर भी रूट, इस पर भी रूट, और इस पे भी रूट। ठीक है भाई, हमने रूट लगा दिया। अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं इसको सोल्व। जीरो बाय फोर जीरो होगा, और जीरो का रूट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो साइन जीरो डिग्री पे वैल्यू कितनी आई, जीरो आई भाई। डिग्रीज है सारी, ये ऊपर आप ऐसे डिग्रीज लगा सकते हो। ठीक है, तो साइन जीरो पे जीरो वैल्यू होती है, सिंपल है बिल्कुल। अब वन का रूट कितना होता है, वन होता है, डिवाइड में। फोर का रूट कितना होता है, टू होता है। इसका आंसर वन बाय कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। अगला देखो भाई, टू टू जा फोर, नीचे कितना बचा, वन बाय टू, और वन बाय टू का वन का रूट तो वन ही होता है। नीचे टू का रूट कितना होता है, टू का तो कुछ नहीं होता, रूट टू में ही रहेगा, तो नीचे आएगा वन बाय रूट टू। अगला देखो, थ्री किसी का रूट नहीं होता तो थ्री रूट में रहेगा, डिवाइड में। फोर किसका होता है भाई, टू का, तो टू आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। फोर से फोर कट गया, वन बचा, और वन का रूट कितना होता है, वन होता है। कितना होता है, वन, तो यहाँ पे वन आ गया। देखा, बिल्कुल सिंपल है। और कोस निकालना तो उससे भी सिंपल है। देखो कैसे, यहां से लिखना शुरू करो उल्टे में। यहां पे वन है तो वन लिखो, यहां पे रूट थ्री बाय टू है तो यहां पे रूट थ्री बाय टू, यहां पे वन बाय रूट टू है तो यहां पे वन बाय रूट टू, यहां पे कितना भाई, वन बाय टू, तो यहां पे वन बाय टू। देखो उल्टा लिखना है बस, ये जीरो है तो यहां पे जीरो। आया कि नहीं आया भाई समझ। देखा कितना सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ इसमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब आपका कोस का भी हो गया, टेन का करते हैं भाई। अब किसका करते हैं, टेन का। टेन का देखो कैसे करोगे, सिंपल है, दोनों को आपस में डिवाइड करना है। जीरो बाय वन कितना होता है भाई, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। साइन जीरो जीरो आएगा, वन बाय टू, और ये कितना हो जाएगा भाई, कट जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री आएगा। काट देना अपने आपस में इसको, कैसे बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, वन बाय टू को डिवाइड करना है रूट थ्री बाय टू से। घूम कर ऊपर चला जाएगा, वन बाय टू मल्टीप्लाई में टू बाय में रूट थ्री, रूट टू, टू से टू कट गया, वन बाय रूट थ्री बचा, तो इस तरीके से वन बाय रूट थ्री लिखा। दोनों सेम है, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू पूरा कट के वन आएगा, कितना आएगा वन, और यहाँ पे टू से टू कट गया तो रूट थ्री बचा भाई, कितना बचा रूट थ्री, और वन बाय जीरो करेंगे तो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी लिख दो, या लिख सकते हो यहाँ पे नॉट डिफाइंड। क्या लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड, क्योंकि वन को जीरो डिवाइड नहीं कर सकता, जीरो किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कोसिकेंट पे चलते हैं। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, साइन का उल्टा कोसिकेंट है तो क्या लिखोगे, इसको जीरो को जीरो बाय वन कर दो। क्या कर दोगे भाई, जीरो बाय वन है तो वन बाय जीरो करेंगे, इन्फिनिटी आएगा, कितना आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वन बाय टू को यहां पर क्या करेंगे हम, उल्टा करेंगे तो टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, टू हो जाएगा, यहां पे रूट टू हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। यहां पे कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा टू बाय रूट थ्री, कितना हो जाएगा टू बाय रूट थ्री। यहां पर कितना हो जाएगा, वन है, वन बाय वन करेंगे तो वन ही आना है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा यहाँ पे कोसिकेंट की वैल्यू। अब चलते हैं किस पे भाई, सिकेंट पे।
अब सिकेंट में क्या करेंगे, कोस कोल्टा वन बाय वन, वन रहेगा। चाहे तो आप यहां से सारे उल्टे लिख दो उठा के, वन आया फिर आएगा टू बाय रूट थ्री, कितना आएगा टू बाय रूट थ्री, फिर कितना आएगा रूट टू आएगा भाई, ठीक है, फिर कितना आएगा टू आएगा भाई, फिर कितना आएगा इन्फिनिटी आएगा, कितना आएगा इन्फिनिटी। देखा बिल्कुल सिंपल है, नोट डिफाइन भी लिख सकते हो। अब बचा है कोट की वैल्यू, कोट की वैल्यू कैसे निकालोगे, कोट होता है टेन का उल्टा, किसको होता है भाई कोट टेन का उल्टा होता है, जीरो है यहां पर तो वन बाय जीरो बाय वन, वन बाय जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, उसके बाद इसका हो जाएगा रूट थ्री, या फिर एक काम करो टेन में भी ये सारी उल्टी लिख दो वैल्यू, शुरू में इन्फिनिटी है इन्फिनिटी, फिर क्या लिखोगे रूट थ्री, तो रूट थ्री, उसके बाद वन है तो वन ही रहेगा, उसके बाद रूट वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री, और उसके बाद जीरो तो जीरो। ये लो भाई, इस तरीके से टेबल बनानी थी, अगर टेबल बनानी सीखनी है तो सीख सकते हो, बट मेरी आपको एक ही राय है यहाँ पर, टेबल बनाने में बहुत टाइम लगता है, कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो ज़्यादा नहीं तो सिर्फ आपने साइन की, कोस की और टेन की ये तीन वैल्यू यूज़ कर लेनी है एग्जाम के अंदर, और अच्छे से इन्हीं को ही रट लेना है, याद कर लो या रट लो कैसे भी कर लो, बट आपको ये तीन लाइनें हैं जो अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको पूछा जाए कि टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट होती है, साइन 30 की वैल्यू 1 बाय 2 होती है, ऐसे याद कर लो बस इनको, ठीक है, एग्जाम के अंदर भी ये यूज होंगी, और अगर याद होंगी ना तो सिंपल रहता है अपने लिए, सीधा वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, बट आपको फिर टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल में से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वहां पर, और टाइम ही मेन होता है एग्जाम के अंदर, आपको पता है, तो दैट्स व्हाई बोल रहा हूँ यहां तक तीन वैल्यू, कौन सी भाई, साइन की, कोस की और टेन की वैल्यू आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। तो हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है हमने बना ली है, अब इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई, ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई, अब हमारी जो 20 बी है एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्वेश्चन देखो भाई, फर्स्ट करते हैं अब यहाँ पर, फाइंड द वैल्यूज, हमें यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है भाई आपको, और यहाँ पर जो आप डिग्री देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है, इस वैल्यू में पुट करके जो भी आपको यहाँ पर साइन 60 है, साइन 30 है या कोस 60 है, यहाँ पर वैल्यू पुट करके सोल्व करना, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो भी कैसे करेंगे, यहाँ पे साइन 60 कोस 30 दिया आपको, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको पहले बोला था याद कर लो टेबल्स को, या फिर आप बोल सकते हो वैल्यू डायरेक्टली याद कर लो, ठीक है, फिर टेबल का यूज नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई, साइन 60 हमारा होता है यहाँ पे रूट थ्री बाय टू, कितना होता है रूट थ्री बाय टू, मल्टीप्लाई में कोस 30 की वैल्यू भी रूट थ्री बाय टू होती है भाई, कितनी होती है रूट थ्री बाय टू, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय टू होती है, साइन 30 की वैल्यू भी 1 बाय टू होती है भाई, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से करोगे 4 आ जाएगा, रूट थ्री को 3 से करोगे 3 आ जाएगा, प्लस में 2 को 2 से करोगे 4 आ जाएगा, 1 को 1 से करोगे 1, अच्छा रूट थ्री को रूट थ्री से करते हैं 3 आता है, पता ना आपको, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, रूट थ्री को जब आप रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते हो तो रूट थ्री का स्केयर होता है, स्केयर से रूट कट के 3 ही बचता है, ठीक है, तो इसलिए रूट थ्री को रूट थ्री से करेंगे 3 आया। एलसीएम नीचे कितना भी यहाँ पर 4 है, ऊपर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट गया 1 आंसर आएगा भाई, क्या आएगा इसका 1 आंसर आ जाएगा, देखा कितना सिंपल है। अगला देख लो, साइन 45 होता अपना 1 बाय रूट टू, कितना होता है भाई 1 बाय रूट टू होता है, इंटू में कोस 30 हमारा कितना होता है, कोस 30 होता अपना रूट थ्री बाय टू, कितना होता भाई रूट थ्री बाय में टू, माइनस में कोस 45 कितना होता भाई 1 बाय रूट टू, और साइन 30 होता अपना 1 बाय टू। तो देखो भाई, 2 को रूट टू से करोगे तो 2 रूट टू आ गया, ऊपर कितना भाई रूट थ्री है माइनस का साइन, नीचे कितना भी अपना 2 रूट टू रहेगा, ऊपर कितना भाई 1 आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर डायरेक्टली आ जाएगा भाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो रूट थ्री माइनस 1 अपॉन में 2 रूट टू आ जाएगा भाई आपका इसका आंसर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, रैशनलाइज कर सकते हैं इसको भी आगे भी, बट जो आपकी बुक है उसके आंसर पीछे मेरे ख्याल से यहीं तक ही है, ठीक है, तो यहीं तक आप इसको करना है, आपने ज्यादा आगे रैशनलाइज करके नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, थर्ड वाला करते हैं भाई, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे रखनी है फिर इसको सोल्व करना। अच्छा, कोस 60 की वैल्यू देखो यहाँ पर यूज करी थी हमने 1 बाय 2 होती है, कितनी होती है 1 बाय 2, ज्यादातर वैल्यू आपको सेम ही मिलेंगी, और 1 बाय रूट 2 भी ये भी यूज कर लिया हमने। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भी आपके पास रूट 3 बाय 2 होती है, कोस साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 होती है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास वैल्यूज थी, अब इनको फिर एलसीएम ले लो, 1 को 1 से करते हैं 1 आता है, रूट 2 को 2 से करेंगे 2 रूट 2 आ जाएगा, प्लस में रूट 3 को 1 से करेंगे रूट 3, रूट 2 को 2 से करेंगे 2 रूट 2, डिनोमिनेटर सेम रहेगा भी आपका 2 रूट 2, और रूट 3 में 1 जोड़ना, बस क्या जोड़ना है रूट 3 में 1, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। देखा ऐसे ही करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपने। कोस 90 देख लो कितना होता है अपने पास, यहाँ पर हो जाएगा कोस 90 की वैल्यू होती है अपने पास भाई जीरो, कितनी होती है जीरो होती है, प्लस में कोस स्क्वायर 45, अच्छा रूट
कोस की वैल्यू कितनी होती है, रूट टू होती है 45 की, और स्क्वेयर बोला तो इसका स्क्वेयर करोगे आप भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में। साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है, ठीक है, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, ये मैंने सारी वैल्यू डाल दी यहाँ पे, ठीक है। देखो जीरो तो है ही नहीं, जीरो का तो कोई यूज नहीं होता, तो जीरो छोड़ दो, बचा क्या आपके पास, 1 का स्क्वेयर। देखो 1 का स्क्वेयर करेंगे 1 आएगा, रूट से स्क्वेयर कट गया तो 2 बचेगा नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 बाय 2, मल्टीप्लाई में 1। अच्छा 1 को ऊपर न्यूमरेटर से करोगे तो 1 ही आता है, 2 को 2 से करते हो तो 4 आता है, बस ये आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, 1 बाय 4 इसका आंसर आएगा फाइनल। और यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो एक्सरसाइज 20B का, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ही सेम है, वैसे ही वैल्यू पुट करनी है, ज्यादा कोई चेंज नहीं है। साइन स्क्वायर 45, तो सिंपल है भाई, आपके पास 3 तो एज इट इज लिखोगे, साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 और उसका स्क्वेयर है, तो इट मीन्स इसका स्क्वेयर करना पड़ेगा, प्लस में 2 एज इट इज। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई आपके पास, यहाँ पे होती है 1 बाय 2, कितनी होती है 1 बाय 2, ऊपर वैल्यू कितनी अभी स्क्वेयर है तो स्क्वेयर कर देंगे यहाँ पे, देखा बिल्कुल सिंपल है। अब देखो 3 एज इट इज मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वेयर 1, नीचे 2 का रूट स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयर से रूट कट गया 2 बचेगा, 2 एज इट इज, 1 का स्क्वेयर ऊपर 1, नीचे 2 का स्क्वेयर 4 होता भाई। देखो 3 को 1 से करते हैं 3 बाय 2, प्लस में 2 को 1 से करते हैं 2 से काट दो भाई, 2 2 जा 4, 1 बाय 2 आ गया यहाँ पे, कितना आ गया 1 बाय 2। अब इनको जोड़ लो, देखो कितना आएगा आपका यहाँ पे, 2 एज इट इज आ गया नीचे भाई, ठीक है, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना है भाई फाइनल आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। देख लो वैल्यू पुट करनी है, एलसीएम लेना और आपका फाइनल आंसर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है यहाँ पे 3 को स्क्वायर 30 आपका, प्लस में 10 स्क्वायर 60, कितना भाई प्लस में 10 स्क्वायर 60 वैल्यू पुट कर दो, 3 एज इट इज, कोस 30 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, रूट 3 बाय 2, कितनी भाई रूट 3 बाय में 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना ऊपर तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 10 60, 60 की वैल्यू होती है भाई अपने पास यहाँ पे रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर करना भाई आपने यहाँ पे, क्या करना है रूट 3 का स्क्वायर कर देना आपने यहाँ पे। अब देखो भाई 3 एज इट इज, स्क्वायर से रूट कट गया 3 आ गया, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है भाई, प्लस में स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 ही बचा यहाँ पे सिर्फ, 3 3 जा 9, एलसीएम लेना बस आगे, तो 9 अपॉन में 4 प्लस में 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, 9 प्लस में 12 अपॉन में 4 तो हो जाएगा भाई 12 और 9 21 होता है, 21 बटा में 4, मिक्स फ्रैक्शन में कर लो इसको अगर करना है तो, 5 4 जा 20 और ऊपर बचा 1, तो आ जाएगा 5 4 जा 20 और 1 21 बाय 4, हाँ भाई, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो थर्ड पार्ट इसका क्या बोला, कोस 0 हमारे पास कितना होता है 1 होता है, कितना होता है भाई कोस 0 अपने पास यहाँ पे 1 होता है, वैल्यू 1 पुट कर दो, प्लस में साइन 45 1 बाय रूट 2 होता है, प्लस में साइन 30 कितना होता है 1 बाय 2, ये तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इनटू में। अब इसकी वैल्यू पुट करो, साइन 90 कितना होता भाई आपके पास यहाँ पे 0 होता है, कितना होता है 0 नहीं होता 1 होता है, सॉरी साइन 90 1 होता है भाई, कितना होता है 1 होता है, माइनस में कोस 45 1 बाय रूट 2 होता है, प्लस में कोस 60 अपने पास कितना होता भाई ये होता है कोस 60 होता है रूट 3 बाय 2, कितना रूट 3 बाय में 2, तो अपने पास अच्छा कोस 60 था ना सॉरी कोस 60 तो 1 बाय 2 होता भाई, कितना होता है 1 बाय 2 होता है कोस 60, क्योंकि साइन 30 अपने पास 1 बाय 2 तो सोल्ट होएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस 1 को 1 बाय 2 से ऐड करेंगे और इस 1 को 1 बाय 2 से यहाँ पे ऐड करेंगे, तो देखो क्या होगा भाई 1 प्लस में 1 बाय 2 एज इट इज, ये प्लस का 1 बाय रूट 2 पीछे ले लिया मैंने, ठीक है भाई, ताकि मैं यहाँ पर इनको दोनों को जोड़ सकूँ। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 1 प्लस में 1 बाय 2 एज इट इज और ये माइनस का 1 बाय रूट 2 इसके पीछे ले लिया मैंने, ठीक है भाई, यहाँ पे 1 है, देखो दोनों का एलसीएम 2 है यहाँ पे भाई, ठीक है, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो 2 प्लस 1 आ गया भाई यहाँ पे, माइनस प्लस का 1 बाय रूट 2। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी दोनों का एलसीएम 2 हो गया भाई यहाँ पे, 2 1 जा 2 और 1 प्लस 1 कितना हो गया भाई यहाँ पे, ये हो जाएगा ऐसे। उसके बाद देखो भाई 2 और 1 कितना हो गया 3 बाय 2 प्लस में 1 बाय रूट 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 प्लस 1 3 बाय 2 माइनस में 1 बाय रूट 2। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है ना, पहले का स्क्वायर करो माइनस में दूसरे का, पहले का स्क्वायर करते हैं भी, पहला क्या है 3 बाय 2 का स्क्वायर माइनस में, फिर क्या करेंगे 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर। चलो भाई सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस का साइन, 1 का स्क्वायर ऊपर 1, नीचे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट का 2 आ जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो सिर्फ 2 बचता है। अब दोनों कैल्शियम ले लो भाई यहाँ पे, देखो दोनों कैल्शियम तो 4 ही आएगा, तो 9 तो ऊपर एज इट इज माइनस में, 2 2 जा 4 तो 2 आएगा ऊपर, 9 में से 2 गए भी 7 बाय 4 आता है,
ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अच्छा इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, क्या रहेगा भाई ये आ जाएगा यहाँ पे 4 × 4 हो जाएगा। अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में बनाते हैं, 4 × 4 और 3 = 7, तो 1 and 3/4 आंसर इस जगह आ जाएगा फाइनल मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको करना है तो। तो इस तरीके से करना था इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। बाकी 2-3 पार्ट और इसके वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी कुछ पार्ट बचे हैं, 3 पार्ट वो भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सेम टू सेम ही है जैसे हमने प्रीवियस किया। 2√2 लिखा भाई, यहाँ पे लिखो 2√2 मल्टीप्लाई में कोस 45 होता भाई 1/√2 मल्टीप्लाई में कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई यहाँ पर आपके पास 1/2 होती है, ठीक है। फिर प्लस का साइन 2√3 एज इट इज यहाँ पर मल्टीप्लाई में साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है भाई यहाँ पर, ठीक है। और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 की वैल्यू ओनली √3 होती है, माइनस में कोस 0 की वैल्यू 1 होती है भाई, ठीक है। अब देखो सोल्व करते हैं, √2 से √2 कट गया भाई, 2 से 2 कट गया तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचा, क्या बचा 1, प्लस में यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया भाई, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ याद रखो 3 होता है, और माइनस का यहाँ पे 1 है, 1 से 1 कट गया तो 3 ही बचा भाई, क्या बचा 3, तो इसका फाइनल आंसर 3 आएगा सिर्फ। देखा कितना ईजी था, छोटा सा क्वेश्चन है बस 3 आंसर आया इसका। फिफ्थ पार्ट देखो, 4/10 4/3 है, 10² 30 है, यानी कि 4/3 लिखो मल्टीप्लाई में, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और उसका स्केयर करो क्योंकि 10² है, प्लस में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 कितनी होती है भाई √3/2, फिर इसका स्केयर करो, माइनस में 3 एज इट इज कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्केयर करो भाई यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस में 3/4 10² 60 यानी कि √3 का स्केयर करो, 10² 60 की वैल्यू √3 होती है उसका स्केयर, माइनस में 2 10² 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्केयर करोगे तो आपको पता 1 ही आना वैसे भी, ठीक है। चलो भाई सारी वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। 4/3 एज इट इज मल्टीप्लाई में 1² 1 रूट स्केयर से 3 कट जाएगा तो स्क्वेयर से रूट कट जाएगा तो 3 बचा, स्केयर से रूट कट गया तो 3, नीचे 2 का स्केयर 4, माइनस में 3 एज इट इज 1² 1 अपॉन में 2 का स्केयर 4 भाई, प्लस में स्क्वेयर से रूट कट गया 3, 3 को 3 से करेंगे 9 9/4 माइनस में 1² 1 2 को 1 से करेंगे 2। लो भाई ये चीजें आएंगे आपके पास बच के। अब इनका एलसीएम वगैरह लेना है सोल्व करना, वो देखो कैसे करेंगे ध्यान से यहाँ पे। तो सबसे पहले 3 3 जा कितना हो गया भाई 9 हो गया, नीचे 4 1 जा 4 ठीक है, प्लस में 3/4 एज इट इज ठीक है, माइनस में 3/4 एज इट इज ठीक है, प्लस में 9/4 एज इट इज ठीक है, माइनस में 2। अच्छा भैया एलसीएम लेंगे यहाँ पे, एलसीएम लेने से पहले एक चीज देख लो यहाँ पे, 3/4 3/4 प्लस माइनस आपस में कट गया भाई दोनों थे ना ये, उसके बाद देखो 4/9 9/4 और नीचे एलसीएम है 1, तो इन तीनों का एलसीएम लूंगा अगर मैं तो 36 एलसीएम आएगा, कितना आएगा भाई 36। अब 9 4 जा 36, अब देख लो यार इसको 36 बना तो 4 से नीचे 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 9 4 जा 36 तो 4 4 जा 16 16 आ गया, फिर प्लस का साइन इसको बनाना है क्या भाई 36, तो 9 से नीचे मल्टीप्लाई 9 से ऊपर मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 4 जा 36 ठीक है, 9 9 जा 81 ऊपर आएगा 81 माइनस का साइन, अब यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, 36 से नीचे मल्टीप्लाई और 36 से ऊपर मल्टीप्लाई 36 2 जा 72 तो 72 कर दिया। कहने का मतलब सिंपल यार एलसीएम लेना तुम एलसीएम ले लेना, इजी है ठीक है, अपने तरीके से जैसे भी तुम एलसीएम लेते हो एलसीएम ले लेना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। 36 नीचे आएगा भाई, ऊपर देखो 6 और 1 7 8 और 1 9 में से माइनस करना 72 कर लो माइनस, नीचे कर देता हूँ मैं ये भाई 36 नीचे बचेगा, 7 में से 2 गया 5 9 में से 7 गया 2 तो ये लो भाई फाइनल आंसर आ गया 25/36 ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखा बिल्कुल सिंपल एलसीएम लेना बस आपने वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट देख लो साइन 45 दिया तो यानी कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इसका स्क्वेयर कर दो, प्लस में कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होता है इसका भी स्क्वेयर कर दो, अपॉन में टेन स्क्वेयर 60 है तो 1/√3 अच्छा टेन स्क्वेयर 60 है ना 60 की वैल्यू होती है भाई यहाँ पे √3 कितनी होती है √3 होती है तो √3 का स्क्वेयर। अच्छा आगे देखो क्या करेंगे यहीं पे कर देता हूँ मैं, स्केयर से रूट कट जाएगा तो 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में √3 का स्केयर करेंगे कट गया तो आ जाएगा 3 भाई कितना आ जाएगा 3। ये चीजें आई भाई देखो 1 1/2 and 1/2 कितना होता है 1 होता है ना ये तो आप सिंपल पता ही आपको, या फिर एलसीएम लेना तो 1/2 1/2 का एलसीएम 2 रहेगा, ऊपर 1 + 1 नीचे 3 है, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया ना तो 2/2 / 3 2 से 2 कट गया तो कितना है ऊपर 1 आया ना तो फाइनल आंसर आएगा 1/3 कितना आएगा भाई यहाँ पे फाइनल आंसर आपका
वन बाय थ्री आएगा इसका, एलसीएम लेके कर लो या सीधा हाफ एंड हाफ वन ही होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर टू है जो कंप्लीट हो जाता है। इसके छह पार्ट थे, छह के छह कर लिए हमने, सभी में वैल्यू पुट करके एलसीएम लेना था सिंपली। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करना, आपने वैल्यू ध्यान से पुट करनी और एलसीएम भी ध्यान से लेना, तो क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। ठीक है भाई, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं भाई, बिल्कुल ही सेम टू सेम है जैसे प्रीवियस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे चल रहे हैं अपने। वैल्यू पुट करते हैं, देखो पहले क्वेश्चन में थर्ड के साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, यहाँ पर 1 होती है, 2 एज इट इज। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है भाई, कितनी होती है 1 डिवाइड में। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है भाई, आपको पता ही है, मल्टीप्लाई में। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। चलो भाई सोल्व करते हैं, देखो 1/2 एज इट इज ठीक है, माइनस में 1 ठीक है, 2 × 2 होता है भाई, प्लस में 2 है, डिवाइड में कितना भाई, यहाँ पे √3 से √3 कट गया तो नीचे 1 ही बचा है, और 1 नीचे लिखने का कोई फायदा नहीं, आपको पता ही है। 1/2, 2 में से 1 गया भाई, माइनस 1 बचेगा। एलसीएम ले लो यहाँ पे, क्या ले लो अब यहाँ पर 1/2 एज इट इज, माइनस में 1 प्लस में 2 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई आपके पास, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, वो भी किसका बचेगा, प्लस का बचेगा सॉरी यहाँ पे। तो अब आपने एलसीएम लेना भाई यहाँ पे, कितना हो जाएगा एलसीएम देखो यहाँ पे, 2 × 2 1 × 1 प्लस में 2 × 2 2 और 1 कितना हो गया भाई, 3/2। ये लो भाई फाइनल आंसर आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पे चलते हैं अब, 5 एज इट इज ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और उसका स्क्वायर करेंगे भाई क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और उसका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर ऊपर, जहां जहां पे स्क्वायर होता है आपको स्क्वायर लगाना पड़ता है, पता है ना। 2 एज इट इज, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई आपकी, 1/2, ऊपर कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2, प्लस में 1045 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है भाई, सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करती हैं, सोल्व कर लें हम। 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 ठीक है भाई, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे, ऊपर 1 ही रहेगा, √2 से काटेंगे स्क्वायर को तो 2 बचेगा ओनली नीचे, माइनस में 4। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा भाई आपका, नीचे √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया भाई यहाँ पे, ठीक है, बचा कितना √3/2 प्लस में 1। तो ये चीजें आपकी यहां पर बची हुई हैं। अब आगे देखते हैं भाई क्या रहेगा अपना, 5/4 हो गया यहां पे, कितना हो गया 5/4, माइनस में माइनस नहीं सॉरी प्लस 1/2, माइनस में 4 × 4 = 3 4/3 हो गया। ठीक है भाई, ऊपर मैंने सिंपल सोल्व करके लिख दिया, नीचे कितना आएगा भाई, एलसीएम ले लो यहां पर नीचे, तो कितना आ जाएगा 2 तो नीचे, और 2 + √3 हो जाएगा, √3 प्लस में 2 नीचे आ जाएगा 2। पता ना कैसे लिया मैंने एलसीएम, नीचे एलसीएम 2 आ गया, ठीक है 1 को √3 से करूंगा √3, 2 को 1 से करूंगा 2, तो ये आ गया भाई आपका नीचे एलसीएम। अच्छा, ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, ऊपर एलसीएम क्या लें, 4 × 2 = 8 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 × 3 = 24, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 और 4 के टेबल में भी 12, तो दोनों सारे के सारे 12 पे जाएंगे, तो इसका एलसीएम नीचे 12 हो गया भाई, क्या हो गया 12। इसको 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 × 3 = 12, तो 5 × 3 = 15, ऊपर 15 आ गया भाई, फिर प्लस का साइन। इसको 12 बनाना है तो 6 से करना पड़ेगा, 4 से करेंगे तो देखो भाई 4 × 3 = 12 होता है, तो ऊपर भी 4 से 4 × 4 = 16, यहाँ पे कितना आएगा 16, और जो डिवाइड में था ना इसके ये वाला ऊपर घूम के चला जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर क्या लिखेंगे भाई 2/ में कितना आ जाएगा आपका √3 प्लस में 2। अच्छा आगे देखो अब कितना बचेगा, 2 से काट दो, 2 × 6 = 12 हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है 15 × 6 = 21, 21 में से 16, 21 में से 16 माइनस करोगे तो 5 बचता, कितना बचता भाई 5, डिवाइड में यहाँ पे 6 बचा हुआ, 6 लिखो इनटू में √3 + 2, कितना भाई √3 + 2, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। देखा बिल्कुल सिंपल, एलसीएम लेना है, जो भी कट रहा उसको काट दो, बचा हुआ आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है भाई, अच्छा दो पार्ट हो चुके हैं इसके, दो पार्ट और बचे हैं वो भी कर लेते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं भी, देखो थर्ड और फोर्थ बचा ना इसका, वो कर लेते हैं। 10² = 60 यानी कि 10 का 60 वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर करना है भाई, 10 × 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 4 एज इट इज, कोस 45 की वैल्यू होती है अभी 1/√2, उसका भी स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, प्लस में 2² = 30 की वैल्यू कितनी होती है अभी, ध्यान से देखो सेकेंड वैल्यू आई अपने पास, तो पता होना चाहिए आपको सेकेंड कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद है सेकेंड किसका उल्टा होता था, कोस का उल्टा होता था, सेकेंड किसका उल्टा भाई कोस का, और कोस 30 है तो यहाँ पे सेकेंड 30 है तो कोस 30 की वैल्यू देखो कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है अपने पास यहाँ पे √3/2, कितनी होती है √3/2। अगर आपको सेकेंड निकालना तो इसको उल्टा करना है, क्या करना, उल्टा √3/2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी,
टू बाय में रूट थ्री कितना भाई, तो ये होती है सिकेंड 30 की वैल्यू। इस तरीके से आप निकाल सकते हो उसको उल्टा करके। तो सिकेंड 30 की वैल्यू किसकी हुई भाई, टू बाय रूट थ्री, लिखो यहाँ पे टू बाय रूट थ्री का स्केयर प्लस में फाइव एज इट इज कोस स्केयर 90। 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, जीरो होती है यहाँ पे। कोस 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो जीरो का स्केयर करोगे फिर भी वही आना है फाइव एज इट इज, ये जीरो का स्केयर डिवाइड में भाई कोसिकेंट 30। अच्छा कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, 1/2। तो 1/2 का उल्टा 2 होता है, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2 होगी। प्लस में सिकेंट 60 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कोस 60 की वैल्यू। कोस 60 कितनी होती है भाई अपने पास यहाँ पे, 1/2 होती है। 1/2 का उल्टा करोगे तो 2। माइनस में कोट 30 किसके इक्वल होता है भाई, टेन 30 के। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, तो कोट 30 की वैल्यू √3 होगी, तो √3 का स्क्वायर। ये लो भाई मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी सारी की सारी, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कट गया भाई, 3 बचा यहाँ पे। प्लस में 4 एज इट इज, स्क्वायर का 1 का 1, रूट का करेंगे स्क्वायर से रूट कट गया नीचे 2 बचेगा। माइनस प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 होता है नीचे, स्क्वायर से रूट कट गया 3 बचेगा। प्लस में 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 और 2 कितना हो गया 4। माइनस में स्क्वायर से रूट कट गया 3 बचा, ये बचा भाई अपने पास यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 2 4 कितना बचा भाई, 3 प्लस में 2 प्लस में 4/3, नीचे तो 1 ही बचा, 4 में से 3 गया 1। देखो 3 और 2 कितना होता है भाई, 5 होता, लिख लो यहाँ पे 5 प्लस में 4/3, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है 1 की कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं रहेगी। एलसीएम ले लो भाई यहाँ पे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 5 15 प्लस में 4 1 4, 15 और 4 कितना हो गया भाई, 19/3, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अच्छा इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना, तो मिक्स में कर लो भाई। मिक्स में कैसे करोगे, 3 6 18 और 1 19, तो आएगा आंसर 6 and 1/3, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। 6 3 18 और 1 19/3 वही आएगा सेम टू सेम। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट पुट करते हैं, 4 एज इट इज भाई, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट, साइन की पावर 430 लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा भाई, साइन की पावर 4 और 30। अच्छा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई यहाँ पे, 1/√2 होती है, और उसकी पावर कितनी है, 4 है। प्लस में cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई अपने पास यहाँ पर, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है भाई, 1/2, उसकी पावर कितनी है भाई, 4 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद माइनस में 3 एज इट इज, अच्छा ये पूरा क्लोज कर दें, माइनस का साइन 3 एज इट इज cos स्क्वायर 45, यानी कि 1/√2 का स्क्वायर करेंगे भाई यहाँ पे। माइनस में साइन स्क्वायर 90, 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो यहाँ पे 4 एज इट इज लिख लो भाई, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 की पावर 4 करोगे बनाएगा नीचे, अच्छा √3 कैसे आ भाई ये, ओहो सॉरी, साइन 30 की वैल्यू थी ना यहाँ पे, साइन 30 की वैल्यू तो 2 होती है भाई अपॉन में, कितनी होती है 1/√2, सॉरी भाई यहाँ पे वैल्यू गलत पुट हो गई थी, हाँ भाई 1/√2 होती है वैल्यू, कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू, 1/√2 की पावर 4। अच्छा अब आपको पता होना चाहिए 1/√2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, देखो 4 बार गुना करो भाई, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, कितनी होती है 16, यहाँ पर भी कितना रहेगा 1/16, क्योंकि सेम ही वैल्यू पुट हो रही है ना। माइनस का साइन 3 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर करेंगे 2 ही आएगा, स्क्वायर से रूट कट गए। माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है भाई, ठीक है। अब देखो एलसीएम 16 आएगा नीचे, 16 ऊपर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमिनेटर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 1 और 1 2 हो गया यहाँ पे, इंटू में कितना भाई 4 है बाहर, माइनस में 3, अंदर भी एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया, ठीक है भाई 1 एज इट इज, माइनस में 2 1 2। अब देखो भाई 4 4 16, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 बचा सिर्फ यहाँ पे, कितना बचा 1/2। माइनस में 3 एज इट इज, अंदर कितना बचेगा भाई, 1 में से 2 गया, माइनस 1 अपॉन में 2 बचा भाई, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, 3 को 1 से करते हैं 3 अपॉन में 2, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर जुड़ जाएंगे भाई, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 अपॉन 2, 2 से काट दो भाई, आंसर आ गया 2। तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पर 2 बचेगा, और क्वेश्चन है जो आपका फोर्थ पार्ट ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई, वेरीफाई वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। cos 60 और sin 30 है, माइनस में sin 60 और sin 30 है, यहाँ पर इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, और राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करेंगे। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई यहाँ पर अपने पास, 1/2 होती है मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई अपने पास यहाँ पर, होती है √3/2, कितनी होती है भाई √3/2। माइनस में sin 60 कितना होता है भाई अपने पास, √3/2,
मल्टीप्लाई में साइन 30 की वैल्यू 1/2। चलो भाई सोल्व करते हैं, 1 को रूट 3 से करते हैं रूट 3, नीचे 2 2 जा 4, माइनस में रूट 3 को 1 से करते हैं रूट 3, 2 2 जा 4। देखो सेम है ना दोनों टर्म्स, कट गए भी आपस में क्या बचेगा, जीरो ही तो बचेगा, और जीरो क्या है राइट हैंड साइड है, तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारी एल एच एस है वो आर एच एस के इक्वल हो गया भाई। देखा बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करके सोल्व करा है। ऐसे इसमें तीनों वैल्यू इक्वल प्रूव करनी है भाई। देखो कोस 60 किसके इक्वल होता है भाई अपने पास, 1/2, कोस 60 होता है 1/2, ठीक है। अब ये वाला पार्ट लेते हैं, 1 माइनस में 2, साइन स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 बाय में 2 होती है, उसका स्क्वायर करना है। देखो भाई 1 माइनस में 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, तो कितना आया भाई 1 माइनस 1/2। सोल्व कर लो भाई, एलसीएम लो, नीचे एलसीएम 2, 2 को 1 से करते हैं 2, माइनस 1 को 1 से करते हैं 1, तो 2 में से 1 गया 1/2। देखा भाई ये भी 1/2, ये भी 1/2। अच्छा अब लास्ट वाला पार्ट ये बचा, ये भी प्रूव कर देते हैं। 2 एज इट इज, कोस स्क्वायर 30, स्क्वायर 30 यानी कि कोस की वैल्यू 30 में कितनी होती है भाई, रूट 3 बाय में 2 होती है, उसका स्क्वायर करना माइनस में 1। देखो भाई 2 एज इट इज ठीक है, अब यहां पर स्क्वायर से काटेंगे इसको भी, तो कितना आ जाएगा अपने पास, यहां पर 3 बचेगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस में 1, 2 2 का कितना हो गया भाई 4 हो गया, तो 3 बाय 2 माइनस 1 बचा। एलसीएम लो भाई, एलसीएम 2 आ गया यहां पे, 3 को 1 से करेंगे 3, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1/2। ये देखो भाई तीनों वैल्यू सेम आई है, 1/2 1/2 1/2, तो ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, इक्वल है। अब चलते हैं लास्ट पे, 10/30 हमारे पास कितना वैल्यू होती है भाई, यहाँ पर आपको पता ही है 1/√3 होती है, कितनी होती है 10/30 की वैल्यू 1/√3। अब इसको भी 1/√3 प्रूव करना है, तो लेते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमने लीजो, राइट हैंड साइड में देखो 10/60 की वैल्यू कितनी होती है भाई अपने पास, √3 होता है, 10/30 की वैल्यू 1/√3 होता है, अपॉन में 1 प्लस में √3 इंटू में 1/√3, वही वैल्यू पुट करनी है ना 60/30 की। चलो भाई सोल्व करते हैं अभी से, देखो इसका एलसीएम नीचे बना गया 1 और √3 का एलसीएम √3 रहेगा, नीचे कितना रहेगा √3, √3 को √3 से करूंगा तो कितना आएगा भाई अपने पास, ये आ जाएगा, √3 को √3 से करूंगा तो 3 आ जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था √3 को √3 से करते हैं 3 आता है, 1 को 1 से करते हैं तो -1 आता है, डिवाइड में √3 से √3 कट गया, 1 प्लस में और ये 1 बचा, 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए भाई। अब देखो 3 में से 1 गया कितना बचा भाई 2, 2 अपॉन में कितना है √3, डिवाइड में कितना भाई 2 अपॉन में 1, घूम के ऊपर चला जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है आपको पता ही है, तो 1/2 आएगा, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा भाई 1/√3, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। देखो हमने इसको भी 1/√3 प्रूव कर दिया और ये भी 1/√3 था, दोनों इक्वल आ गए ना, तो वेरीफाई हो गया कि आरएचएस अपना वो एलएचएस के इक्वल होगा भाई, ठीक है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, एंड वेरीफाई हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 था भाई, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सेम टू सेम वेरीफाई वाला भाई, इसमें भी वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं अपने, इसकी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास यहाँ पे √3/2, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास यहाँ पर √3/2, ठीक है ना। उसके बाद माइनस में कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2, तो सोल्व करते हैं, देखो 2 2 जा 4 हो गया, नीचे √3 को √3 करूंगा 3 ही आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बस, सिर्फ यहाँ पे 3 आएगा भाई, माइनस में 1 को 1 से करूंगा 1, 2 को 2 से करूंगा 4, एलसीएम ले लो भाई, नीचे 4 है तो ऊपर कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर सीधा माइनस, 3 में से 1 गया 2/4, कट हो गया तो 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2। अब साइन 30 कितना होता है भाई राइट हैंड साइड में, सभी को पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, कितनी, तो देखो 1/2 1/2 सेम आया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल होगी भाई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। अगले पे चल पड़ो, देखो 2 एज इट इज, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1/2, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 की, अच्छा ये तो बाद में प्रूव कर लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, देखो 2 से 2 कट गया भाई 1/2 बचा, सिर्फ कितना बचा आंसर 1/2, और साइन 60 की बात करें यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास, अच्छा यहां पे एक चीज तो रहेगी भाई, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, यहां पे √3 आएगा, क्या आएगा भाई रूट आएगा, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी, सॉरी कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 2 से 2 कट गया तो √3/2 बचा। अब साइन 60 ले लो राइट हैंड साइड, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है डायरेक्ट आपको पता है √3/2 होती है, तो दोनों सेम आ गए ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया अपना भाई राइट हैंड साइड के, ठीक है बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो 1/2 एज इट इज, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है भाई अभी फिलहाल, देखो 2 एज इट इज हो जाएगा, √2 √2 कितना होता भाई 2 होता है, आपको पता है ना, बार बार मैं बता रहा हूँ, जब भी दो चीज रूट वाली सेम टू सेम मल्टीप्लाई होती है ना तो वो सेम ही आता है, नंबर 2 आता है, 2 से 2 कट गया तो 1 बचा भाई, कितना बचा 1, फिर ले लेते हैं राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड में साइन 90 डिग्री है भाई, क्या होता है 1 होता है ना, तो देखो दोनों आंसर सेम है 1 1, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका किसके इक्वल आ गया भाई, राइट हैंड साइड के, और यहां पर क्वेश्चन हो जाता आपका कंप्लीट। देखा सारे वेरीफाई वाले हैं, प्रूव करने सिंपल बिल्कुल ही, ठीक है। यहां तक अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भी आपको, तो चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी चैनल को शेयर कर दिया करो, ठीक है भाई, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और अपना चैनल की भी थोड़ी बहुत ग्रोथ हो उसके भी आपकी हेल्प से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं भाई। यहां पर आपको एंगल पुट करके फिर आपको उसको वेरीफाई करना, ठीक है। एंगल आपको गिवन होगा, जैसे ए इज इक्वल टू 45 है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 30, ऐसे एंगल गिवन होगा, फिर आपको सोल्व करना। से देखो भाई, जहां जहां पर ए है ना, वहां वहां पे आपको वैल्यू पुट करनी है 45। देखो भाई, साइन 2 इंटू ए कितना भाई, 45 इज इक्वल टू 2 साइन ए, 45 अभी आपको पता ही अभी तो, और कोस ए की जगह पे भी 45। अब देखो भाई, 45 2 जो कितना होता है 90 होता है, तो साइन 90 इज इक्वल टू 2 साइन 45 कोस 45। अच्छा, अब LHS ले लो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, साइन 90 कितना होता है अभी आपको पता ही है 1 होता है, कितना होता है 1, एक साइड तो आपने प्रूव कर ली। RHS ले लो भाई, अब यहाँ पर 2 एज इट इज, साइन 45 1 बाय रूट 2 होता है भाई, इंटू में कोस 45 भी 1 बाय रूट 2 होता है, इज इक्वल टू 2 एज इट इज, नीचे रूट टू कितना होता है भाई 2 हो जाएगा, आपको मैंने पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। देखो भाई, ये भी 1 आया आंसर, ये भी 1 आया, तो आपके जो LHS है भाई वो इक्वल हो जाएगी RHS के। देखा बिल्कुल ईजी है, प्रूव करना था प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अगले में देखो, अब कोस 2A, अच्छा मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ यार, अब तो देखो 45 है ना, 45 को यहाँ पे रखूंगा 45 टू जा 90, जैसे यहाँ पे रखा 45 टू जा 90, वैसे 45 टू जा 90 हो गया, 2 एज इट इज, कोस स्क्वायर 45 आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एज इट इज माइनस में 2 साइन स्क्वायर 45। चलो भाई सोल्व करते हैं, पहले ये पार्ट लेता हूँ, कोस 90 कितना होता है अपना यहाँ पर 0 होता है, कितना होता है कोस 90 यहाँ पे, कोस 90 होता है आपका 0, ये पार्ट तो हो गया सोल्व। अब ये देखो, 2 एज इट इज, कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोस 45 की वैल्यू रूट 2 और उसका स्क्वायर कर दो माइनस में 1, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 इंटू में रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा माइनस में 1, 2 से 2 कट गया, 1 में से 1 गई कितना बचेगा भाई 0 बचेगा, तो देखो ये भी 0 ये भी 0। अब ये वाला प्रूव करो, 1 माइनस में 2 एज इट इज साइन स्क्वायर 45 वही आ जाएगा सेम टू सेम, कितना होता भाई 1 बाय रूट 2 उसका स्क्वायर 1 माइनस में 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा भाई 1 बचा ना, 1 माइनस 1 ये भी 0, देखा तीनों 0 आ गए, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये प्रूव हो जाता आपका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे भाई, देखो नेक्स्ट कैसे करते हैं, साइन 2a 2 तो एज इट इज a की वैल्यू कितनी है अभी 30 है, तो 30 टू जा 60 तो 60 हो गया इज इक्वल टू 2 एज इट इज टेंजेंट a की वैल्यू कितनी है अभी 30 है अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर a यानी कि 10 स्क्वायर a की वैल्यू 30। चलो भाई सोल्व करो इस पे, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अभी आपकी यहां पर, आपको पता है रूट 3 बाय 2 होती है, कितनी होती है साइन 60 की वैल्यू होती है आपके पास रूट 3 बाय 2। चलो ये तो पार्ट हो गया सोल्व, अभी ये वाला पार्ट करते हैं, पहले ऊपर वैल्यू पुट कर देता हूं उसमें 2 एज इट इज 10 30 कितना होता भाई 1 बाय रूट 3 डिवाइड में 1 प्लस में 10 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3 और उसका स्क्वायर करेंगे भाई क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। देखो भाई ऊपर 2 बाय रूट 3 तो एज इट इज आ गया डिवाइड में 1 प्लस में 1 अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। अब देखो भाई ऊपर 2 बाय 3 एज इट इज डिवाइड में एलसीएम ले लो भाई 3 बन जा 3 3 वन जा 3 1 वन जा 1 तो 3 प्लस 1 आ गया यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 बाय रूट 3 डिवाइड में 3 और 1 4 4 बटा में 3 घुमा दो भाई रेसिप्रोकल हो जाता आपको पता तो है ही है घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 ऊपर चला गया 4 नीचे आ जाएगा तो 2 टू जा 4। अब देखो भाई क्या बचा अपने पास यहाँ पे 3 तो ऊपर बचा नीचे कितना बचा 2 रूट 3 कितना बचा भाई 2 रूट 3। अब इस रूट 3 को नीचे से खत्म करना तो मैं बोथ साइड रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि रेशनलाइज रूट 3 भी ऊपर रूट 3 भी नीचे तो 3 को रूट 3 से करूंगा 3 रूट 3 डिवाइड में 2 इंटू में रूट 3 3 होता भाई 3 से 3 कट गया तो अपना आंसर कितना आ गया भाई रूट 3 बाय 2 कितना आ गया रूट 3 बाय 2। देखो ये भी सेम था और यहां पर ये भी सेम था तो दोनों वैल्यू सेम आई है तो इट मीन्स ये भी हमने वेरीफाई कर दिया इक्वल प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाद में लिख देना कि जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल होगा वेरीफाई हो जाता प्रूव हो जाता। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला भाई ए की वैल्यू कितनी करनी है 30 पुट करनी है 30 टू जा 60 यानी कि cos 60 आपका किसके इक्वल हो जाएगा भाई 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए यानी कि 10 स्क्वायर 30
अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30, ये लो भाई। पहले वाला पार्ट करते हैं, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई आपको पता ही है, 1/2 होती है, कितनी होती है cos 60 की वैल्यू। चलो ये तो पार्ट हो गया 16 आपका, अभी ये वाला करते हैं देखो, 1 माइनस में 10/30 की वैल्यू कितनी होती है भी आपकी 1/√3, तो पुट करो 1/√3 का स्क्वायर अपॉन में नीचे 1 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर। देखो अभी सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर, 1 माइनस में 1 अपॉन में 3, 1 प्लस में 1 अपॉन में 3, पता ना स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 ही बचेगा नीचे, स्क्वायर से रूट कटेगा 3। अब एलसीएम लेना बस आपने, यहां पे 1 लगा लो, यहां पे भी 1 लगा लो, नीचे एलसीएम 3 आ गया भाई, यहां पे देखो 3 1 जा 3 1 1 जा 1, 3 में से 1 माइनस कर देंगे नीचे भाई, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, 3 प्लस 1। अब घुमा दो ऊपर इसको, देखो 3 में से गया 2/3 मल्टीप्लाई में, 3 घूमकर ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा 3 प्लस 1 4, 3 से 3 कट गया 2 2 जा 4, तो आ गया नीचे भाई 1/2 बचेगा सिर्फ। तो देखो 1/2 इसका भी आंसर और इसका भी आंसर 1/2, फिर वापस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देना भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया भाई। यहां पर देख लो सिंपल क्वेश्चन था, 7 और 6 प्रूव ही करने थे बस, इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करते हैं, देखो भाई प्रूव ही करना है इसके अंदर भी आपको वैल्यू पुट करके। यहां पे दिया ए और बी की जगह पे आपको 45 लेना है, जहां पर ए और बी है वहां पर आपको 45 लेना है। देखो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखा है ए माइनस बी, ए की जगह पे भी 45, बी की जगह पे 45 माइनस 45 कितने बचेंगे भाई, 0, तो यहां आ जाएगा 0 साइन 0 डिग्री, ठीक है भाई, इज इक्वल टू साइन ए यानी कि साइन 45, कोस बी यानी कि कोस 45, माइनस में सिंपल है भाई कोस 45 साइन 45 वैल्यू पुट करनी है। साइन 0 कितना होता भाई, साइन 0 होता आपका 0, ये साइड तो प्रूव होगी। अब इसको प्रूव करो, 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 भी 1/√2, माइनस में 1/√2 मल्टीप्लाई में 1/√2, रूट टू रूट टू नीचे कितना होता है 2 होता है भाई, माइनस में रूट टू रूट टू नीचे कितना होता है 2, ऊपर तो 1 को 1 से करेंगे वे, 1/2 माइनस का है प्लस का कट के 0 बचना। देखो भाई 0 0 आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होएगा राइट हैंड साइड, ठीक है भाई, ये तो हो गया अपना। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, ए के जंग पे 45 प्लस बी के जंग पे 45, 45 प्लस 45 कितना हो गया 90, तो आ जाएगा कोस 90 इज इक्वल टू कोस यानी कि कोस 45 कोस 45, माइनस में साइन 45 साइन 45। देखो भाई अब कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है कोस 90, 0 होता है। अब ये वाला पार्ट प्रूव करो, कोस 45 कितना होता है 1/√2, सेम टू सेम वही चीज लिखनी है जो ऊपर करी अभी, ये सारी की सारी 1/√2 ये वैल्यू, √2 कितना हो गया भाई नीचे 2, ऊपर 1 × 1 1, माइनस में √2 नीचे कितना हो गया भाई 2, 1 × 1 1, 1√2 से 1 ये कट जाएगा, 1/2 से 1/2, 0 बचा भाई, कितना बचा 0 आ जाएगा आपका यहाँ पे फाइनल आंसर, तो 0 और 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड। देखा प्रूव हो गया, इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट देख लो, उसमें भी सेम टू सेम है, जहां पर आपको ए दिखे वहां 60 रखना है, बी दिखे वहां पे 30 रखना है, रख दो भी पूरी वैल्यू, ए की जंग पे 60 साइन 60 और आगे सॉरी कोस था ना, साइन 60 के बाद भाई कोस है, कोस बी की जगह 30 रखना है, प्लस में कोस ए यानी कि कोस 60 साइन 30, इसका ऊपर कितना था भाई स्क्वायर था, प्लस में कोस ए की जंग पे क्या रखोगे भाई, यहां पर आप रखोगे कोस 60 साइन 30 कोस ही है, सॉरी बार बार गलत हो रहा है, कोस 30 कितना भाई कोस 30, माइनस में साइन 60 और साइन 30, इसका भी स्क्वायर और सारे किसके इक्वल है भाई, 1 के इक्वल है, किसके इक्वल है 1 के इक्वल, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब सोल्व करते हैं अभी, पहले पार्ट सोल्व कर रहा हूं मैं, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है अभी अपने पास यहां पे, √3/2 मल्टीप्लाई में कोस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2, प्लस में कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू भी 1/2, इसका पूरे का स्क्वायर, प्लस में आगे देखो भाई कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, यहां पर होती है कोस 60 की वैल्यू 1/2 और 30 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3/2, 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है भाई। उसके बाद इज इक्वल टू प्रूव करना हमने इसको 1 के इक्वल, इसका भी स्क्वायर है, क्या इसका भी स्क्वायर है, देखो भाई अब यहाँ पे √3 3 होता है, 2 2 4 होता है, प्लस में 1 × 1 1 होता है, 2 2 4 होता है, ठीक है भाई, इसका स्क्वायर, प्लस में √3 को 1 से करते हैं √3 नीचे,
2 को 2 से करते हैं 4 माइनस, रूट 3 को 1 से करते हैं रूट 3, 2 को 2 से करते हैं 4, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूव करना हमने, ठीक है। देखो भाई रूट 3 बाय 4 माइनस में रूट 3 बाय, सेम है ना, कट गया, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही है यार, करने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू डिनोमेटर 4, जब डिनोमेटर से न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे सीधा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई यहां पर आपका, ये प्लस में ये तो 0 हो गया सारा, इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। 3 प्लस 1 कितना होता है 4 होता है, 4 अपॉन में 4 उसका स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। 4 से 4 कट गया 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1, देखा भाई आ गया ना इक्वल प्रूफ। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को प्रूव करना था, या फिर आप यहां पे इस वाली साइड को लेके चल पड़ते लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख देना बाद में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, वैल्यू पुट करनी है आपने, वैल्यू याद होनी चाहिए, आंसर आपका जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करते हैं, सेम टू सेम है भाई, वैसी वैल्यू पुट करके प्रूव करके दिखाना। देखो ए की जंग पे 60 और बी की जंग पे 30 प्रूव करना है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से इसके। ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 30, 60 प्लस 30 कितना होता भाई 90, तो आएगा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए, ए यानी कि 60, साइन 60 कोस 30 प्लस में कोस 60 साइन 30, ये वैल्यू तो आपने पुट कर लेनी है भाई यहाँ पे, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, देखो पहले 90 वाला प्रूव करता हूँ, साइन 90 कितना होता है आपका इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है, सॉरी 1 होता है ना वैल्यू। अब ये वाला प्रूव करते हैं, देखो साइन 60 कितना होता है भाई रूट 3 बाय 2, कोस 30 कितना होता है भाई वो भी रूट 3 बाय 2 होता है, प्लस में ये कितना होता है भाई साइन 60 होता है आपका 1 बाय 2, कोस 60 भी 1 बाय 2, साइन 30 भी 1 बाय 2, 2 2 जा 4, रूट 3 रूट 3 3, प्लस में 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, एलसीएम ले लो भाई, नीचे 4 आएगा, 3 प्लस 1 कितना होता है यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 बाय 4 कट के कितना आएगी वैल्यू 1, प्रूव हो गया ना। देखो ये भी आंसर 1 था, ये भी आंसर 1 था, तो क्या लिखेंगे LHS हमारी वो RHS के इक्वल हो गया, ये प्रूव हो गया, देखा सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट वाला देख लो अब कैसे करेंगे, ए प्लस बी यानी कि 60 प्लस 30 90, तो कोस 90 है हमारा वो किसके इक्वल होगा भाई यहाँ पर, वो हो जाएगा यहाँ पे कोस ए यानी कि कोस 60 और कोस 30 माइनस में साइन 60 साइन 30, कोस 90 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भी 0 होती है, कितनी होती है 0, तो इस साइड तो 0 प्रूव हो गया। ये देखो कोस 60 कितना होता है आपका यहाँ पर होता है 1 बाय 2, और कोस 30 कितना होता है रूट 3 बाय 2 माइनस में साइन 60 कितना होता है रूट 3 बाय 2 इंटू में 1 बाय 2, देखो भाई 2 2 जा 4, रूट 3 को 1 से करूंगा रूट 3 माइनस में रूट 3 को 1 से करूंगा रूट 3, 2 2 जा 4, देखो भाई रूट 3 बाय 4 से रूट 3 बाय 4 कट गया माइनस 0 आया, देखा ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो आपके आंसर दोनों सेम आए ना, तो LHS आपका किसके इक्वल हो गया भाई RHS के, देखा बिल्कुल सिंपल है, ये प्रूव करना था। अगला देख लो a माइनस बी, ए कितना है भाई 60, b माइनस बी कितना 30, 60 में से 30 माइनस करो तो कितना बचेगा 30 बचेगा ना, तो cos 30 बचा, cos 60 cos 30 प्लस में sin 60 sin 30। अच्छा अब आपको पता होना चाहिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है भाई रूट 3 बाय 2, कितनी होती है यहां पर cos 30 की वैल्यू होती है आपकी रूट 3 बाय 2, ये तो पार्ट हो गया प्रूव। अब ये वाला करते हैं, cos 60 और cos 30 कितना होता भाई रूट 3 बाय 2 इंटू में 1 बाय 2, ये भी कितना होता भाई रूट 3 बाय 2 इंटू में 1 बाय 2। चलो भाई अब सोल्व कर लेते हैं, देखो 2 2 जा 4, रूट 3 को 1 से करते हैं रूट 3 प्लस में रूट 3 को 1 से करेंगे रूट 3 अपॉन में 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे, एलसीएम ले लो भाई दोनों का, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा, रूट 3 प्लस में रूट 3 कितना हो गया भाई 2 रूट 3 बाय में 4, 4 से काट दो 2 आ गया नीचे, तो आंसर कितना है भाई फाइनल आपका है रूट 3 बाय में 2। देखो भाई यही आंसर था यहाँ पे और यहाँ पर भी ये आंसर था, सेम आंसर आया कि नहीं आया, आया ना सेम आंसर, यही चीज करनी थी प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, वो भी बिल्कुल ही सिंपल आपका यहाँ पर करना है कि आपने फोर्थ पार्ट में भी ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, ए और बी देख लो भाई आपका क्या रहेगा यहाँ पे वैल्यू, ए की वैल्यू 60, बी की वैल्यू 30, तो पुट करो 60 माइनस 30 कितना हो गया यहाँ पे 30 बचा, तो 10 30 आ गया भाई, कितना आ गया 10 30 इज इक्वल टू 10 60 माइनस 10 30 अपॉन में नीचे 1 प्लस में 10 30 और 10 60। चलो पहले 10 30 की वैल्यू देखते हैं कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू होती है अभी आपकी 1 बाय में रूट 3, कितनी होती है 1 बाय रूट 3। अब प्रूव करते हैं ये वाला पार्ट, 10 60 कितना होता है भाई रूट 3 माइनस में 10 30 1 बाय रूट 3 अपॉन में 1 प्लस में रूट 3 इंटू में 1 बाय रूट 3,
देखो भाई ऊपर तो आपका एलसीएम आ गया, नीचे एलसीएम कितना है भाई आपका यहाँ पर, रूट थ्री एलसीएम आया है। रूट थ्री को रूट थ्री करेंगे थ्री आ गया, माइनस में वन को वन से करेंगे वन अपॉन में, रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, वन प्लस वन कितना हो गया टू हो गया भाई, थ्री में से वन गया टू, टू अपॉन में रूट थ्री और इसके अपॉन में टू अपॉन वन, तो क्या करेंगे उल्टा कर देंगे इसको भी, टू अपॉन रूट थ्री किसके कुल आ जाएगा भाई वन अपॉन टू के, टू से टू कट गया तो कितना बचा वन अपॉन रूट थ्री, कितना बचा भाई वन अपॉन रूट थ्री। देखो यही तो प्रूव करना था हमने, वन अपॉन रूट थ्री एरा वन अपॉन रूट थ्री एरा, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिख देना आपने कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव कर देंगे यहाँ पे। ठीक है अब चलते हैं भाई इलेवेंथ क्वेश्चन पे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ए की वैल्यू आपने 15 पुट करनी है, ये वैल्यू आपको दी है ऊपर, तो देखो भाई इवैल्यूएट करते हैं कोस 3a, a कितना भाई 15 है, a की जगह पे 15 रखो, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 3 जा 45, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 45 प्लस में 2 इंटू में कोस 15 4 जा कितना होता है 60 होता है, मैंने बस मल्टीप्लाई किया ऊपर रखे हुए साइन, 15 3 जा 45 प्लस में 2 एज इट इज साइन 15 4 जा 60, चलो भाई वैल्यू पुट कर दो, देखो कोस 45 कितना होता है अपने पास 1 अपॉन रूट 2 प्लस में 2 एज इट इज, कोस 60 कितना होता है अभी अपने पास यहाँ पे होता है 1 अपॉन 2 डिवाइड में, उसके बाद कोस 45 साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 प्लस में 2 एज इट इज, साइन 60 कितना होता है भाई रूट 3 बाय 2 कितना रूट 3 बाय में 2। चलो भाई अब सोल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या आता है यहाँ पे, 2 से 2 कट गया भाई ठीक है, इक्वल में क्या बचेगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस में 1 डिवाइड में 2 से 2 कट गया भाई क्या बचेगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस में रूट 3। चलो भाई ये वैल्यू बचेंगे आपके पास यहाँ पर, ठीक है अब देखते हैं इसका एलसीएम कैसे लेंगे यहाँ पे, एलसीएम यहाँ पे 1 नीचे यहाँ पे 1, तो अब एलसीएम आ जाएगा ऊपर का रूट 2 कितना आ गया भाई एलसीएम रूट 2 आ गया एलसीएम ऊपर, देखो 1 को 1 से करते हैं 1 प्लस में रूट 2 डिवाइड में, एलसीएम भी नीचे रूट 2 रहेगा भाई यहाँ पे 1 प्लस में रूट 6, 1 प्लस में रूट 6, रूट 6 पता कितना है ना 2 3 जा 6 हो जाएगा भाई, तो रूट 6 आ गया। अब इसको घुमा लो देखो 1 प्लस में रूट 2 अपॉन में रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2 अपॉन में 1 प्लस में रूट 6, देखो भाई ये ऊपर वाला घूम के चला गया ना तो रेसिप्रोकल हो गया, तो रूट 2 से रूट 2 कट गया तो आंसर वैल्यू कितना आया भाई अपने पास 1 प्लस में रूट 2 अपॉन में 1 प्लस में रूट 6, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का, क्योंकि इसके बाद हम रैशनलाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है तो इतना ही होगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करते हैं भाई यहाँ पर, देखो हमारे पास 12 में भी वही करना सेम टू सेम, एक ही जंग पे 20 पुट करना भी, देखो 3 एज इट इज साइन, एक ही जंग पे 20 पुट करो, 23 जा कितना होता भाई 60 प्लस में 2 कोस, देखो यहाँ पे पुट करो 22 जा कितना 40, 40 प्लस में 5 कितना हो गया 45 डिवाइड में 2 कोस, 23 जा कितना होता भाई 60 माइनस में साइन एज इट इज, 22 जा कितना होता भाई 40, 40 में से 10 गया 30, ये लो भाई ये वैल्यू हमने सोल्व कर दी पुट करके सारी की सारी, अब वैल्यू डाल दो इसमें 3 एज इट इज, साइन 60 कितना होता भाई अपने पास रूट 3 बाय में 2 होता है माइनस प्लस में 2 एज इट इज, कोस 45 कितना होता है 1 अपॉन में रूट 2, चलो भाई उसके बाद 2 एज इट इज, कोस 60 कितना होता भाई अपने पास यहाँ पर 1 बाय में 2 होता है ठीक है माइनस में, साइन 30 कितना होता भाई ये भी अपने पास 1 बाय 2 होता है ठीक है, ये हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी सारी की सारी। अब देखो सोल्व कर लेते हैं इसको, 3 को इससे करते हैं तो 3 रूट 3 अपॉन में 2 प्लस में 2 पर नीचे कितना भाई रूट 2 अपना यहाँ पर ठीक है अपॉन में नीचे कितना भाई यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो 1 माइनस में 1 अपॉन में 2 है ठीक है, तो ये चीजें बचे अपने पास। अच्छा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं कितना आएगा एलसीएम अपने पास यहाँ पे, तो अपने पास बचेगा भाई एलसीएम यहाँ पे देखो इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2 रूट 2 कितना आ जाएगा भाई 2 रूट 2 ऊपर देखो रूट 2 को 2 से इससे करता हूँ तो रूट 6 हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 रूट 6 प्लस में 2 2 से कितना हो गया भाई यहाँ पे 4 हो गया, ये तो सिंपल है। अब नीचे वाला कर लेते हैं एलसीएम नीचे 2 आएगा भाई 2 1 जा 2 1 1 जा 1 तो 2 माइनस 1, अब घुमा देते हैं जो बचेगा 3 प्लस में रूट 6 प्लस में 4 अपॉन में कितना भाई 2 रूट 2 मल्टीप्लाई में 2 घूमकर ऊपर चला गया नीचे बचा भाई 1 ठीक है 2 से 2 कट गया भाई तो कितना आया फाइनल आंसर आपका 3 रूट 6 प्लस में 4 अपॉन में रूट 2। आगे इसका रैशनलाइज कर सकते हैं भाई ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे ऊपर नीचे बोथ साइड रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे रूट 2 से मल्टीप्लाई, देखो भाई ध्यान से अब क्या आएगा आपके पास 3 एज इट इज
रूट टू को रूट सिक्स से करूंगा तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री सिक्स जा 18, कितना हो गया भाई, अच्छा सिक्स जा बोल रहा हूँ सॉरी, एक मिनट रुको, सिक्स टू जा 12, तो 12 आएगा भाई। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, रूट सिक्स को रूट टू से कर रहा हूँ, रूट के अंदर वाली चीज मल्टीप्लाई हो जाती है, सिक्स इंटू टू 12 हो गया, प्लस में इसको किससे कर सकता हूँ भाई, यहाँ पे हमारे पास है रूट टू, तो रूट टू को कहाँ गया, रूट टू को फोर से करता हूँ, फोर रूट टू कितना भाई, फोर रूट टू डिवाइड में, रूट टू को टू से करूंगा तो टू आ जाएगा भाई, यहाँ पे रूट टू को रूट टू से करूंगा तो टू आ जाएगा, यहाँ तक आ गया समझ। अब आगे देखो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है इसमें, बस ऊपर कर रहा हूँ मैं इसको, थ्री एज इट इज, रूट ट्वेल्व को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, फोर इंटू थ्री लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, फोर इंटू थ्री प्लस में फोर रूट टू अपॉन में कितना भाई नीचे टू है। अब देखो फोर का रूट कितना होता भाई बाहर, टू आ जाएगा, टू बाहर आ जाएगा तो थ्री इंटू में टू, अंदर रूट थ्री बचा प्लस में फोर रूट टू अपॉन में टू। अब देखो भाई थ्री टू जो कितना होता है सिक्स, सिक्स रूट थ्री प्लस में फोर रूट टू। अब ये टू को सेपरेट कर रहा हूँ, इसके नीचे भी काट दो भाई, टू थ्री जा सिक्स, थ्री रूट थ्री प्लस में टू टू जा फोर, टू रूट टू, ये होगा आपका फाइनल आंसर। यहां तक आपने करना है क्वेश्चन सोल्व और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है भाई, उसके बाद चलते हैं 13 में। 13 देखो क्या करना है इसमें, तो प्रूव ही करना आपको। ठीक है भाई, यहां पर आपको वैल्यू दी है, साइन 30 देखो कितना होता भाई, साइन 30 होता है 1/2 और ऊपर पावर 4 है तो 4 कर दो, प्लस में cos 60 भी कितना होता है 1/2, ऊपर पावर 4 है तो 4 कर दो, माइनस में 3 cos 45, 45 कितना होता है 1/√2, इसकी पावर कितनी है भाई 2 है ऊपर, साइन 90 कितना होता है आपका 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा आपको पता ही है। ये आपको प्रूव करना है राइट हैंड साइड, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया, लिख देना ऊपर चाहे बेशक, व लेफ्ट हैंड साइड से 4 एज इट इज, 1 की पावर 4 4, 2 की पावर 4 16 होती है, हमने पहले भी किया ये क्वेश्चन। ठीक है, 16 वाला आपको पता है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होता है, प्लस में 1 बाय में 16 इसका भी एज इट इज, माइनस में 3 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, माइनस में 1। ठीक है भाई, अब देखो 16 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे बेस 16 हो गया, 1 और 1 ऊपर 2 हो जाएगा भाई, ठीक है जुड़ जाएंगे, बाहर कितना भाई 4 है, माइनस में 3 एज इट इज, एलसीएम कितना आएगा भाई अंदर 2, 1 1 जा 1, माइनस में 2 1 जा 2, देखो भाई 2 8 जा 16 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो नीचे बचा 1/2, कितना बचा भाई 1/2, माइनस में 3 एज इट इज, अंदर कितना बचेगा माइनस 1/2। अब देखो भाई 1/2 तो एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 बाय 2, डिनोमेटर सेम है भाई 2, ऊपर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा हमने एक क्वेश्चन पहले भी सेम टू सेम ऐसे ही कैलकुलेशन सोल्व किया भाई, कौन से क्वेश्चन में मुझे याद नहीं आ रही, कौन से क्वेश्चन में की थी, अभी किया था हमने कुछ 3-4 क्वेश्चन पहले, ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम वही कैलकुलेशन वापस हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 13 तक हो चुका है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसके बाद दो ही क्वेश्चन बचे मेरे ख्याल से, फिर अपना एक्सरसाइज है, वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो जाएगी इसकी, वो वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करते हैं अभी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज के, अपने बाद उसके बाद अपनी जो 20 बी है इसकी वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। देखो भी फटाफट 14 क्वेश्चन में भी आपको वेरीफाई ही करना है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भी आपके पास, यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए cos 60 होता अपने पास यहाँ पे 1/2, तो हमने ये तो प्रूव कर दिया, अभी ये वाला प्रूव करते हैं। देखो cos स्क्वायर 30, 30 में कितनी होती है वैल्यू, रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर, माइनस में sin 30 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1/2 का स्क्वायर। चलो अभी सोल्व करते हैं, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 ही होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 4 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा भाई, 4 डिनोमीटर है, डिनोमीटर रहेगा, 3 में से 1 गया भाई कितना बचेगा ऊपर यहाँ पर 2 बाय में 4 काट दोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, इसका 1/2 आया, इसका भी 1/2 आया, cos 60 की वैल्यू थी जो भाई, तो सेम आंसर है ना दोनों के, देखो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 और इस साइड वाले की भी 1/2, तो अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है भाई वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाता है प्रूफ। उसके बाद देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, sin 60 की वैल्यू होती है आपके पास यहाँ पर रूट 3/2, कितनी भाई रूट 3/2, ये तो प्रूव हो गया, अब ये प्रूव करते हैं भाई, देखो 2 एज इट इज, ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√3, 1 प्लस में tan स्क्वायर 45, tan की वैल्यू कितनी होती है भाई यहाँ पर आपके पास 30 की 1/√3 का स्क्वायर। चलो भाई अब यहाँ पर ऊपर कितना आएगा 2/√3 आ गया डिनोमिनेटर में, 1 प्लस में 1/ 3, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 आ गया यहाँ पे, एलसीएम ले लो भाई 3 का कितना आ जाएगा नीचे 3, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, तो 3 प्लस में 1, ऊपर कितना रहेगा भाई यहाँ पे 2/3, कितना रहेगा 2/3, उसके बाद 2
टू बाय थ्री एज इट इज, ये घूमकर ऊपर चला जाएगा भाई, थ्री ऊपर और नीचे थ्री प्लस वन फोर। चलो भाई अब काट लेते हैं इसे, देखते हैं कट के क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे, टू टू जा फोर, ठीक है। ऊपर कितना बचा भाई, थ्री अपॉन में ऊपर बचा है, ऊपर तो तीन बचा, नीचे कितना बचा, टू रूट थ्री, कितना बचा भाई, टू रूट थ्री। रैशनलाइज कर दो, रूट थ्री से ऊपर, रूट थ्री से नीचे, तो देखो थ्री रूट थ्री हो गया ऊपर, तो नीचे कितना हो जाएगा, टू रूट थ्री, रूट थ्री कितना होता है भाई, तीन होता है, तीन से तीन काट दो, कितना बच गया भाई आपका, रूट थ्री बाय में टू। और ये क्वेश्चन हमने सेम टू सेम पहले भी किया था, ऐसी कैलकुलेशन वही वाली है ये सेम टू सेम, अगर वो आपको वही समझ आई तो ये भी समझ आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू भी रूट थ्री बाय टू, इसकी वैल्यू भी रूट थ्री बाय टू, और इक्वल में भी कितना था, रूट थ्री बाय टू, सारी की सारी वैल्यू प्रूव हो जाती है और ये वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट देख लो भाई, कोस 60 कितना होता है आपका, वन बाय टू, कितना होता है भाई यहाँ पे आपका कोस 60, वन बाय टू होता है यहाँ पर। अब इज इक्वल टू में देखो, अब चलो इसको पहले यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ये तो कोस 60 की वैल्यू होगी भाई आपकी। अब ये वाला प्रूव करते हैं साइड का, वन एज इट इज माइनस में टेन स्केयर 30, यानी कि वन अपॉन में रूट थ्री का स्केयर करना पड़ेगा, अपॉन में वन प्लस में टेन स्केयर 30। अब टेन स्केयर 30 यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपके पास वैल्यू कितनी है, रूट थ्री, और उसके ऊपर पावर है स्क्वेयर, इक्वल टू प्रूव करना वन बाय टू के। चलो पहले सोल्व कर लेते हैं, वन माइनस में वन का स्केयर वन, रूट थ्री का स्केयर कितना आ जाएगा भाई आपके पास, तीन आ जाएगा, वन प्लस में वन बाय तीन, क्योंकि स्क्वेयर से रूट कट के तीन ही बचना है। एलसीएम ले लो भाई, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा इसका, तीन, तीन एकम तीन माइनस एक, नीचे भी भाई तीन प्लस में एक बटा में तीन, देखो भाई तीन में से एक गया दो बटा तीन, मल्टीप्लाई में घूमकर ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल हो गया तीन बटा में चार, तीन प्लस एक चार हो जाएगा, तीन से तीन कट गया, दो से दो चार, तो आ जाएगा दो, वन बाय टू, वन बाय टू, और ये भी वन बाय टू, सारे इक्वल आ रहे हैं, वन बाय टू वन बाय टू, दैट मीन्स ये अपना प्रूव हो जाता है भाई यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा 15, वो भी देख लो भाई, आपको क्या बोला है कि आपको साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्रूव करना है, क्या करना है वापस सुन लो ध्यान से, साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्रूव करना है, और वो प्रूव कब करोगे, अगर आपकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, x की जगह पे आपने वैल्यू ऐसी लेनी है जो 90 से किसके बीच में, भाई 0 के बीच में हो, और वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है कि दोनों की वैल्यू इक्वल आए। अच्छा अब ध्यान से दिमाग में सोचो थोड़ा सा, अगर आपको अच्छे से वैल्यूज याद है, साइन 45 की और कोस 45 की दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1 बाय रूट टू 1 बाय रूट टू, तो आंसर यहां से डायरेक्ट पता है कि 1 बाय रूट टू है, तो इट मीन 45 वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू 45 आएगी। लेकिन करना कैसे इसको थोड़ा प्रूफ में देखना, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे अभी, डिवाइड बोथ साइड बाय कोस एक्स, तो यहां देखो साइन एक्स को भी कोस एक्स से डिवाइड करो भाई, और कोस एक्स को भी कोस एक्स से, देखो भाई यहां तो कितना बचेगा, साइन एक्स बाय में कोस एक्स इज इक्वल टू, यहां पर कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, वन आ गया भाई, कितना आ गया, वन आ गया। अच्छा अब ध्यान से सुनो, एक्स की वैल्यू आपने यहां पे क्या लेनी है कि आपका कट के वन आए, तो सिंपल बात है 45 लेनी है, क्या लेनी है भाई, साइन की वैल्यू अगर आप यहां पर 45 लेते हो तो साइन 45 कितना होता है, 1 बाय रूट टू, कोस 45 कितना होता है, 1 बाय रूट टू, कट के कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, तो किस पे वैल्यू प्रूव होगी, 45 पे, तो सिंपल बात है x आपको 45 लेना पड़ेगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भाई, बाद में लिख सकते हो आप, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो जाता है, और अपनी ये जो 20 भी एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो जाती है भाई, वन शॉट वीडियो इसकी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे भाई, क्वेश्चन समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर कर देना, जो भी आपके स्कूल का अनऑफिशियल ग्रुप होता है उसमें शेयर कर देना इसका लिंक, ठीक है, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने नहीं किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थैंक यू।